और हम लोग आ चुके आपका खाट में, पंजाबी खाट, पंजाबी होटल। अरे संदीप भाई ने कचौड़ी बना दिया सिंगी सिंगाड़ा का, बेलपूड़ी, ये बेल चाट, सिंगाड़ा चाट 32 रुपया। हम लोग के वहाँ पे 4 पूरी आ जाता है, यहाँ पे बस एक समोसा खा रहे हैं। इतना बड़ा पार्किंग इलाका इधर के, बहुत बड़ा पार्किंग प्लेस है। मैंने इसका पहले इको पार्क में एक देखा था, बड़ा पार्किंग स्पॉट, और एक जगह एयरपोर्ट पे। स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का हमारे और आपके चैनल रेडी नीड्स पे। फिर से मैं और भाई सिद्धार्थ और भी बहुत सारे भाई लोग, हम लोग आज कहीं एक्सप्लोर करने जाएंगे जहाँ बाइकर्स लोग अड्डा मारते उस जगह पे। आइए हम सिद्धार्थ से सुनेंगे, सिद्धार्थ भी आज कहाँ लेकर जाएंगे हम लोगों को। आए लोग जाने वाले कोलाघाट, कोलाघाट बहुत बाइकर लोग से जाते हैं उधर घूमने के लिए। अच्छा शाम के वक्त में 80-90 किलोमीटर शॉर्ट राइड में मजा आता है जाने में। उधर जाके आप लोग दिखाएंगे और हम लोग संग बने रहे पूरे राइड पे। अंत तक बने रहे इस वीडियो में, और भी नया और इंटरेस्टिंग वीडियो और भी ज़्यादा आपको एडवेंचर्स के लिए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने भाई लोगों के संग शेयर करें। हमारे भाई लोगों को सपोर्ट करिए कि हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके चैनल पे लाते रहे इसी तरह। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं आपका कोलाघाट जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं आज का दिन, क्योंकि आप लोगों के लिए एक अच्छा ब्लॉग लेकर आने के लिए और मौका मिला हम लोगों को। तो हम लोग सभी भाई लोग आज बहुत ज़्यादा खुश थे और इन्जॉय करते करते रास्ता का मज़ा लेते हुए, और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। तो हम लोग धर्मतल्ला होकर, आपका मोलाली होकर, धर्मतल्ला से होकर, और ईडन गार्डन देख सकते हैं आपका मेरे बगल पे ईडन गार्डन है, और रेड रोड यहाँ पर चलाने का अलग ही आनंद है क्योंकि यहाँ का रोड बहुत ज़्यादा नीट रहता है। और इधर से होते हुए हम लोग सेकेंड हुगली ब्रिज को गए, और हुगली ब्रिज पर जैसे ही हम लोग प्रवेश किए, पर मौसम तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था, पर मौसम हम लोग का साथ नहीं दे रहा था। पर फिर भी हम लोग आप लोगों के लिए जा चुके थे, निकल चुके थे कि आज तो करना ही हम लोग को ब्लॉग जैसे भी करके। तो ये रास्ता होकर हम लोग बायां जाकर शालीमार वाला रास्ता को कनेक्ट करते हैं, वहाँ से आपका बोटानिकल गार्डन होकर वो रास्ता आपका डायरेक्ट नेशनल हाईवे 16 को कनेक्ट करता है, NH 16। और एक रास्ता है 17 गाछी वाला, पर वो ज़्यादा आपका डिस्टेंस कवर करता है, इसकी वजह से हम लोग शालीमार वाला रास्ता होकर गए थे। पर जैसे ही हम लोग नेशनल हाईवे पर पहुँचे तो वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गया था, और बारिश हो जाए तो हम लोग रुक गए एक जगह पर, वहाँ पर चाय पीने के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग चाय का बहुत बड़ा शौकीन है, तो हम लोग इधर रुक गए चाय पीने के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग चाय पी रहे हैं। अभी कोलाघाट का नहीं है ये, ये आपका NH 1 हाईवे नेस्ट बोल के ढाबा, एक तो टूल टैक्स के बगल पे। तो हम लोग निकले थे पर बारिश स्टार्ट हो गई जोर से, इसलिए हम लोग रुक गए थोड़ा देर के लिए नैप लेने के लिए। बारिश में चाय पीना तो जरूरी है, बारिश में चाय पीना और मजा आता है चाय पीने से बारिश में। देख रहे हैं मौसम, देख रहे हैं राइडर लोग का मौसम है, जिन लोग राइड करते हैं उन लोग ही सिर्फ जानते हैं मौसम का वैल्यू क्या है, मौसम में चलाने का मजा क्या है, उन लोग यहाँ दिखाइए तो देख रहे हैं। और अगर ये चाय मिल जाए ये मौसम में भीगते भीगते तो और मज़ा आता है। बने रही और भी वीडियो में और भी आपको दिखाएंगे, आगे और भी बारिश हो रही थी कि आगे मेघला बहुत है, बादल बहुत घेरे हुए और भी जोर से, उधर भी जाके आपको भींग भींग के हम दिखाएंगे। ये चाय का संग और ये सुनहरा मौसम, और क्या चाहिए, बोली शादी है चाय, गरम गरम चाय और सुनहरा मौसम और बाइक। दोस्तों चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए थे अपना सफ़र कोलाघाट के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बारिश अभी जस्ट ही थमा था, तो हम लोग चाय पी के फटाफट निकल गए आपका। और रास्ता पे बहुत ज़्यादा ही गाड़ी का छिट्टा आ रहा था कपड़ा में, इस वजह से हम लोग का कपड़ा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। पर फिर भी हम लोग जा रहे थे कोलाघाट के लिए, और रास्ता अच्छा था, पर रास्ता आपका बहुत ज़्यादा स्किड खा रहा था गाड़ी, क्योंकि बारिश की वजह से आपका ये हाईवे बहुत ज़्यादा प्लेन हाईवे है, और उसकी वजह से हम लोग को गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और हम लोग जाते जाते हम लोग ये देखिए कोलाघाट ब्रिज है आपका, जब आप दीघा जाएंगे तो आपको इधर से होकर जाना पड़ेगा, जब आप ट्रेन से होकर जाएंगे, और ये आपका मेन हाईवे वाला ब्रिज है। तो हाईवे वाला ब्रिज पार करके हम लोग देखते हैं शेर पंजाब का पहला व्यू, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था बाहर से देखने में हम लोग को। पर वहाँ से यू टर्न थोड़ा दूर में था, इसलिए हम लोग आगे गए, बहुत आगे गए, उसके बाद थोड़ा यू टर्न मिला हम लोग को। फिर हम लोग यू टर्न से घूर कर शेर पंजाब में एंटर किए, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा होटल है, लगभग आपका 8 से 9 या 10 होटल होगा लगभग, सब भी बड़ा होटल रहता है, और सभी में खाना बहुत अच्छा मिलता है। पर ज़्यादा फेमस इधर पे है वो है आपका शेर पंजाब।
जो कि पहले वो लोग का शेर पंजाब एक टू ही था मेन बिल्डिंग, देख सकते हैं आप, देखिए ये है आपका शेर पंजाब का मेन बिल्डिंग, पहले यही था, पर अभी वो लोग अपना बिजनेस को और भी ज़्यादा फैला दिए हैं। और आगे जाते ही ये है आपका मेन एंट्रेंस गेट शेर पंजाब होटल का, लगभग लगभग देखने में ये आपका इंडिया गेट का छोटा भाई लग रहा है। और आगे जाते ही मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं आप, दो एक नया बिल्डिंग बना है और एक बिल्डिंग बन रहा है, और यहाँ पे बहुत सारा फूड कोर्ट भी खोल के रखे हैं, जैसे कि आइसक्रीम कोर्ट, जब आप अपना परिवार को लेकर आएंगे, फैमिली को लेकर आएंगे, तो अच्छे से बैठ सकते हैं ये जगह पे, बहुत ज़्यादा ही अच्छा जगह है ये प्लेस तो। और अब हम लोग जाएंगे गाड़ी पार्क करने अपना। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं आप लोगों का लिए कोलाघाट शेर पंजाब रेस्टोरेंट कम होटल। हम लोग आए थे इधर पे बहुत दिन पहले, बहुत साल आगे आए थे, पर अभी इधर का सुंदरता कुछ अलग ही है, अलग लेवल का, आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम लोग दिखाएंगे इस व्लॉग में आप लोगों को। अलग ही तरीके से इधर पे सजाया गया है, इतना बड़ा पार्किंग, मैंने सोचा था एयरपोर्ट का, मैंने जब देखा था तो इतना बड़ा पार्किंग था, पर इधर पे ये लोग अपना रेस्टोरेंट और होटल का लिए इतना बड़ा पार्किंग प्लेस रखा है, जो हम लोग को कोई भी आपत्ति नहीं, हम लोग आराम से व्लॉग कर सके इधर पे। तो आइए आप लोग को दिखाएंगे शेर पंजाब का खूबसूरती, और इधर पे क्या क्या हम लोग खाते, स्नैक्स वैक्स, जो कुछ भी हम लोग खाएंगे या जो कुछ भी हम लोग देखेंगे वो आप लोगों के संग जरूर शेयर करेंगे। तो अंत तक के लिए बने रहेंगे इस व्लॉग के लिए। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना बड़ा पार्किंग इलाका है इधर पे, बहुत बड़ा पार्किंग प्लेस है। मैंने इसका पहले इको पार्क में एक देखा था, बड़ा पार्किंग स्पॉट, और एक जगह एयरपोर्ट पे, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा से आप देख सकते हैं, गार्ड्स भी इधर पे बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है, सब चीज़ यहाँ वेल मेंटेन्ड है। आई सिद्धार्थ भैया बार बार भाग जा रहे हैं, मेरा बाइक से आया, बाइक का चिंता है थोड़ा। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, लोग पूरा जगह में अपना ये आपका शेर पंजाब बार कम रेस्टोरेंट है, और वहाँ भी है एक, देख सकते हैं आप, वो होटल है आपका, और ये जो है आपका ये बन रहा है, अभी फिलहाल बना नहीं है, ये जल्दी आशा करते जल्दी बन जाएगा ये वाला। तो ये लोग पूरा अपना बिजनेस को फैला कर रहे हैं पूरा इस जगह पर, कोलाघाट में कब्जा कर कर है। आप मानेंगे कोलाघाट में बहुत सारा है छोटा छोटा, पर यही एक जगह है जो लोग सब आना पसंद करते हैं, वो है शेर पंजाब। आप किसी से भी कहिएगा भाई शेर पंजाब, बोलेगा बहुत मस्त जगह है, हम लोग को तो बहुत खुशी हो रहा है इस जगह पे आके। बहुत ज़्यादा आराम मिल गया, बहुत देर से हम लोग पैदल चल रहे इधर पे, तो मैं रुके थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और बहुत 90s का आपका फेमस गाना बज रहा है इधर पे, देख सकते हैं आप, हर जगह स्पीकर लगा हुआ है। और ये फैमिली प्लेस है, देख सकते हैं आप, ओनली फॉर फैमिली, फैमिली लोग बैठ कर फोटो खिंचा सकते हैं, अपना फैमिली प्लेस है ये। आई सिद्धार्थ भैया, हम लोग अपना फैमिली, हम लोग फैमिली लोग बैठ, थोड़ा भीड़ है पर फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग देख ले, हो सके तो फोटो इधर खिंचाएंगे। तो ये आपका होटल रेस्टोरेंट है इधर पे एक, और शेर पंजाब में ही, तो बहुत सुंदर इसका इंटीरियर डिजाइनिंग है।
फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आकर ऐसे बैठने का लगी मुझे है, बहुत ही अच्छा आपका फुल एसी रेस्टोरेंट है, ये फुल एसी रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एसी है, एसी वाला ठंडा, हम लोगों के लिए लाइट भी जला दिया भाई, लोगों ने देख सकते आप लोग ब्लॉग कर रहे हैं, आप देख सकते यहाँ पे पेंटिंग है एक अच्छा, मिरर भी बहुत ही अच्छा है इधर का। और हम लोग आ चुके हैं आपका खाट में, पंजाबी खाट, पंजाबी होटल। जैसे कि शेरे पंजाब पंजाबी स्टाइल पे इधर पे खाट है और आराम से खाट में बैठ के इधर पे जो भी करेंगे खाएंगे, बहुत पसंद लगा ये जगह, आराम से हम लोग पूरा रिलैक्स फीलिंग। रोड भैया अभी खाट में डूब गए हम लोग इतना, ये पूरा इंडियन कल्चर का पूरा है। अरे लुंगी पहन लेते हैं, लुंगी मंगवा दे क्या? सिंगाड़ा भी हम लोग खा के दिखाएंगे, इधर बड़ी सुना था अच्छा सिंगाड़ा मिलता है, बड़ा सिंगाड़ा, चटनी भी अच्छा, चाय भी खुशबू ले लिए थोड़ा, वीडियो में खुशबू ले लीजिए, चाय भी पूरा भर कर दिया गया है। अरे चाय को टेस्ट करते कैसे, रोहन भाई को हम लोग चाय देना चाहेंगे पहले, रोहन भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो देख सकते हम लोग चाय अब गिर गया, एक चाय बर्बाद, 30 रुपये बर्बाद हम लोग का। अब चाय हम लोग देखिए, हम लोग चाय गिरी है पूरा, 30 रुपये बर्बाद कर दिए लड़के ने, आपने आपने पीछे पकड़ा नहीं ये, अच्छा मैंने पहले उठा लिया, नहीं तो मैं सोच रहा था कोई बात नहीं, बहुत पैसे हो, एक और मंगा ले, मेरे पंजाब कर लिए बात थोड़ी है। ये चाय 10 out of 8, ये 8 है पूरा चाय, 10 out of 8 देना चाहूँगा इस चाय को, बहुत ही अच्छा चाय, अदरक का अच्छा से फ्लेवर है। कोई बात नहीं, समोसा का दाम का हिसाब से समोसा और थोड़ा बेहतर होता, एवरेज है, ठीक ठाक काम चलाने लगा। चाय में अदरक का स्वाद ज़्यादा ही आ रहा है, तो हर बार का अदरक दे दिया लग रहा है, ये बारिश के समय अदरक ज़्यादा ही अच्छा लगता है। चाय गिरी है कोई बात नहीं, मतलब जुगाड़ कर सकते हैं। ऐसे पी के भी देखिए, चाय ठंडा ही गिर गया, चाय ठंडा ही गिर गया। शेरे पंजाब का फेमस सिंगाड़ा, तो फ्रेश और गरम सिंगाड़ा, प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है पर सही है, जगह के हिसाब से दाम ज़्यादा है पर बहुत अच्छा सिंगाड़ा है, और सिंगाड़ा और थोड़ा अच्छा होना चाहिए सिंगाड़ा, पर फिर भी ठीक है। दादिया सिंगाड़ा कैसा लगा आपको? अरे संदीप भाई ने कचौड़ी बना दिया सिंगाड़ा का, बेलपूड़ी, ये बेल चाट, सिंगाड़ा चाट, 32 रुपया हम लोग के वहाँ पे 4 पूरी आ जाता है, यहाँ पे बस एक समोसा खा रहे हैं। चाय में थोड़ा चीनी कम है, और रेस्टोरेंट वाला है तो चीनी नहीं दो। फ्रेंड्स यही था आपका शेर पंजाब कोला घाट में, हम लोग गए थे रेस्टोरेंट के अंदर पर वहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ था और जगह के कमी के वजह से हम लोग कुछ भी ट्राई नहीं कर सके, जो लोग बोला था लोग बाहर में ट्राई करें, पर बाहर में बहुत ज़्यादा ही भीड़ था और बारिश की वजह से
बहुत ज़्यादा गंदगी थी, इसलिए हम लोग उतना कुछ ट्राई नहीं कर पाए। पर हम लोग नेक्स्ट बार आने का बात हो रहा, हम लोग का नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ हम लोग आएंगे अक्टूबर तक हम लोग। तो आप लोग आशा करते हैं कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए आप लोगों का भाई राइडी नीड्स चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम लोग चैनल को जितना हो सके अपने भाई लोग में शेयर करिए, और ऐसे भी इंटरेस्टिंग और नए नए ब्लॉग्स को चैनल में लाने के लिए। तो होप करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आप लोगों को नए ब्लॉग्स पे, नए एक्सपीडिशन के साथ, नए टूर के साथ और नए नए एडवेंचर्स के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, सेफ राइड।